हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शेयर मार्केट टॉक्स में। तो यहाँ पे गाइस आपको ये जानना था कि मैं किस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ। बहुत सारे कमेंट्स थे इसके रिगार्डिंग, कई सारे मैसेजेस भी आए इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ पे गाइस मैं किन किन आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ, करंट जो चार मेन लाइन आईपीओ है और एसएमई कैटेगरी के आईपीओ की बात यहाँ पे करने वाला हूँ। सबका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन डिटेल सब कुछ बताऊंगा। और यहाँ पे आज है लास्ट डे डीसीएक्स आईपीओ का, तो उसका भी फाइनल डिसीजन वीडियो डाला जा चुका है। अगर जो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एसएमई कैटेगरी वाली आईपीओ से। यहाँ पे हमारे सामने चार आईपीओ देने को मिल रहे हैं, विटल, कैमटेक, डीएपीएस, राइट जोन, इंटीग्रेटेड पर्सनल, और दो और आईपीओ हमें देखने को मिल रहे हैं, टेक्नोपार्क पॉलीमर, अंबाला लॉजिस्टिक। तो गाइस इन चारों में से अगर जो मुझे अप्लाई करना होगा, ठीक है, वैसे तो मैं एसएमई कैटेगरी आईपीओ में लगाता नहीं हूं क्योंकि रिस्की बहुत होता है, ठीक है, उतने पैसे भी नहीं है मेरे पास, सीधी बात। तो यहाँ पे गाइस मैं विटल की तरफ जाता, इस आईपीओ में लगाता, लेकिन यहाँ पे जो इसका सब्सक्रिप्शन डेट है वो है कल 3 तारीख को, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, तो 2:23 पे यहाँ पे हमें 19.67 टाइम देखने को मिल रहा है। आईपीओ का साइज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अभी एक दिन सब्सक्रिप्शन में बाकी है, इसके लिहाज से यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। तो कल अगर जो इसमें सब्सक्रिप्शन मान लो एटलीस्ट 80-100 टाइम प्लस जाता है तो इसमें जरूर आप लगा सकते हो, लेकिन रिस्क फैक्टर एसएमई कैटेगरी आईपीओ में होता है क्योंकि यहाँ पे लॉट साइज बड़ा होता है, 1200 का एक लॉट है, ठीक है, 101 रुपए प्राइस बैंड है, 3 तारीख को क्लोज होगा और एक लॉट के लिए करीब आपको 1 लाख की ज्यादा देना पड़ेगा, एसएमई कैटेगरी में 1 लाख से ज्यादा देना पड़ता है। और जब ये लिस्ट हो जाएगा ना तो आप सेल कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, सेल नहीं कर सकते, लेकिन पूरा लॉट सेल होता है, इसलिए बायर्स मिलने मुश्किल हो जाते हैं, सबको नहीं मिलते हैं। और इस वजह से मैं एसएमई कैटेगरी की आईपीओ को अवॉइड करता हूं और सेफ्टी पर्पस से मैं खुद नहीं लगाता हूं, लेकिन जो एसएमई कैटेगरी में लगाते हैं एक्सपीरियंस हो उनके लिए विटल में लगा सकते हैं आप लिस्टिंग गेन के लिए। यहां पे गाइस नेक्स्ट है डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड आईपीओ, 31 को ओपन हुआ था, आज क्लोज हो जाएगा। अभी करंट जो सब्सक्रिप्शन डेट है 2:51 का गाइस, तो इसमें हमें होता हुआ दिखा है 51, ठीक है, 2:51 तक। तो यहां पे सब्सक्रिप्शन डेटा भी अच्छा देने को मिल रहा है। करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं इसके, तो यहां पे 85 से 87 रुपए का डिमांड निकलते दीजिए, जो कि 40% से ज्यादा का होता है। तो यहां पे गाइस अगर जो मैं कंपैरिजन करूं सारे आईपीओस में, तो इस आईपीओ में मैं लगाने जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब मेरे पास अगर जो 3 लॉट के पैसे हैं तो मैं 2 लॉट डीसीएस को देने जा रहा हूं और इस आईपीओ में आप भी लगा सकते हैं। रीजन सारा कुछ फाइनल डिसीजन वाली वीडियो है, जाके देख लेना। इसके बाद गाइस है नेक्स्ट बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड। तो गाइस बीकाजी फूड में भी मैं लगाने वाला हूं, जो कि 3 तारीख से ओपन होगा, 1 लॉट 50 का है और 285 शेयर है। हाँ, यहां पे एक वीडियो भी मैंने पोस्ट कर रखी है जो इन चारों आईपीओ कंपेयर करती है, डीसीएक्स सिस्टम, ग्लोबल हेल्थ और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। तो इन चारों कंपैरिजन वीडियो वो जरूर देखना, उसके बाद ही अपना डिसीजन लेना, क्योंकि उसमें मैंने हर एक अलग अलग तरीके से इनका बिजनेस, फाइनेंशियल और सब कुछ देख के बताया है। तो यहाँ पे गाइस जो मैंने बोला ना 3 लॉट के पैसे है मेरे पास, 2 लॉट मैंने उसमें लगा दिया, तो गाइस 1 लॉट मैं इसमें लगाऊंगा। यहाँ पे ये 3 आईपीओ मेरे पास है, लेकिन बीकाजी का जो प्राइस बैंड है वो काफी हाई होने की वजह से मैं पहले दिन तो नहीं लगाऊंगा, लास्ट डे सब्सक्रिप्शन अच्छा होता हुआ दिखा, अगर जो लोग आते हुए देखो कि कंपनी अच्छी है, सिर्फ बिजनेस बेट इसके ऊपर हो सकता है, लेकिन प्राइस बैंड महंगा है, पूरा का पूरा ओएफएस है और कर्जे में है, उसके बावजूद भी कंपनी ने पैसा नहीं उठाया है, ये एक रीजन है कि यहाँ पे बीकाजी के लिए मैं 3rd डे अप्लाई करूंगा। तो 3 लॉट है तो 2 उसमें लगाऊंगा, इस में लगाऊंगा। अब आपको क्लियरली पता चल चुका है कि मैं फ्यूजन में नहीं कोई पैसा डालूंगा, ग्लोबल हेल्थ केयर में नहीं कोई पैसा डालूंगा। अगर जो बात करेगा इस बीकाजी फूड आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो वही 65 से 70 रुपए की डिमांड निकलती हुई दिख रही है, हमें इसमें प्रेशर आता हुआ दिखा है। फ्यूजन माइक्रोकैप की बात करेगा इस, तो फ्यूजन माइक्रोकैप में वही 30 से 35 रुपए की डिमांड निकलती हुई दिखी है जीएमपी में, और इसमें ग्लोबल हेल्थ में 6 से 7 रुपए, 10 रुपए की डिमांड निकलती दिख रही है, जो कि मान लो कि ना के बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस ओवरऑल आपको सब कुछ पता चल चुका है। हाँ, वाइटल का ग्रे मार्केट प्रीमियम रह गया, तो आपको बता दूं उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है इसमें बम्पर डिमांड मतलब देखने को मिल रही है, इसके हिसाब से भाई पैसे भी तो ज्यादा लग रहे हैं, 85 रुपए की डिमांड हमें यहाँ पे निकलती हुई इसमें दिख रही है। पैसे आपके लग रहे हैं लगभग 1,21,000 के आसपास, और 1,02,000 का ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से आपको मिल जा रहा है इसमें जीएमपी। तो यहाँ पे अच्छा डिमांड है इसमें भी, और बाकी आईपीओ का भी अगर जो आपको चाहिए तो मैं शाम को एक वीडियो डालता हूँ डिटेल में, उन सबका भी कवर कर लूंगा जो रह गए, उनका जीएमपी मैंने नहीं बताया है और सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि मैं अगर जो किसी आईपीओ में लगा रहा हूं तो वो मेरा रिस्क फैक्टर है कि मैं किस में कितना लगा रहा हूं कितना नहीं, आप अपना सोच समझ के लगाना। यहाँ पे हम आपको सिर्फ सजेशन के लिए वीडियो देते हैं, एजुकेशनल पर्पस से, हमसे भी रजिस्टर्ड नहीं है, इसका ख्याल आपको रखना है। और एक बात और अगर जो आप लास्ट तक है बता दूं, अभी सिर्फ मेरे पास 1 लॉट का ही पैसा है जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं किसी से उधार मांग के, दूसरा लॉट मैं इसमें लगाऊंगा वो भी अलग अलग आईडी से, ठीक है, डीसीएक्स में। और बीकाजी में मैं 1 लॉट का पैसा लगाने वाला हूं, लेकिन वो लास्ट डे ही अप्लाई करूंगा।
करूंगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप भी आईपीओ लगा सकते हैं, दोस्तों से पैसे उधार ले सकते हैं, फैमिली से पैसे उधार ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग आईडी से लगाएं। और अगर जो आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो एंजल वन, अपस्टॉक, धन, पेटीएम, मनी फ्रैश किसी में ओपन करवा सकते हो। हमारी तरफ से बहुत सारे बेनिफिट्स आपका वेट कर रहे हैं टेलीग्राम पे, जिसमें प्रीमियम ग्रुप, जहां पे हर एक कॉल देखने को मिल जाती है, आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है पूरी टीम की तरफ से, एसएमटी की, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, एफएनओ, इंट्राडे, बीटीसी, स्विंग ट्रेड, सारा ट्रेड देखने को मिल जाता है। उसमें आपको 50% का डिस्काउंट, और गाइस जो प्रो इंट्राडे ग्रुप है जहां पे इंट्राडे और नॉर्मल स्टॉक की कॉल आती है वो एक महीने के लिए फ्री रहने वाला है, बट लिंक हमारा यूज करना जो कि डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो जाके फटाफट आप ओपन करवा लो, आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। और अलग अलग, जैसे मेरे पास 2 लॉट के पैसे हैं ना, तो मैं अलग अलग आईडी से ही लगाऊंगा, एक आईडी से नहीं। और गाइस एचएनआई कैटेगरी में मिलने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन आपके पास अगर जो पैसे हैं तो मैं डीसीएक्स की ही बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे 15% का कोटा भी है, और अगर जो आप जाके देखोगे ना तो रिटेलर्स ने करीब 53 टाइम कर दिया है सब्सक्रिप्शन, अभी 2:51 तक का जो डेटा था, और यहां पे 35-36 टाइम कर दिया है एनआईआई ने। तो गाइस एनआईआई कैटेगरी में 15% भी है और सब्सक्रिप्शन भी कम हुआ है, तो मिलने के चांसेस थोड़े से हाई हो जाते हैं। अगर जो पैसा है तो एनआईआई कैटेगरी में लगा सकते हो, मैं रिटेलर कैटेगरी में लगाता हूं, तो उससे अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कर देना लाइक, कर देना सब्सक्राइब चैनल को, करते हैं एंड। थैंक यू वॉचिंग, प्लीज टेल दिस टू एवरीबॉडी एंड बाय बाय फॉर नाउ।